गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन हमारा आज का टॉपिक है लीकेज एंड इंजेक्शन इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सी एफ आई। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कुछ कंसेप्ट को जानने से पहले हम ये बता दें कि ये जो कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये किसी किसी बुक के अंदर, मेन बुक चैप्टर में नहीं है, ये पावर बूस्टर में आपको मिलेगा। अब ये जो कंसेप्ट है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है। और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं जाके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। डिटेल वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिव्यू बता दूँ कि व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड हैं। उसके बाद हमारी इनकम जनरेट होती है, उसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं उस कंपनीज के अंदर जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है, और उस इनकम को हम खर्च करते हैं, ऑन एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। यानी एक साइकिल है जिसमें कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट है और उससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है। और ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लीकेज एंड इंजेक्शन, तो लीकेज का मतलब हो गया कोई चीज़ हमारे पास से लीक हो रही है, कम हो रही है, जा रही है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मनी की, तो मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कम से कम हो रहा है या हो ही नहीं रहा। तो लीकेज में इट रिफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। विड्रॉल ऑफ मनी सर्कुलर फ्लो, और सर्कुलर फ्लो में से हमने वो पैसा निकाल लिया या वो पैसा वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना पैसा सेव करके रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने अकाउंट्स में रखते हैं, अपने बैंकों में रखते हैं, तो वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 10,000 रुपये थे और वो मैंने अपने घर में रख रखे हैं फॉर किसी भी पर्पज़ के यूज़ के लिए, कि जब भी मैं इमरजेंसी आएगी, कुछ काम होगा, मैं उस पैसे को यूज़ करूँगा। वो पैसा मैंने मार्केट में नहीं यूज़ करा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पैसे रखे हैं और मैं जाके मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल परचेज़ कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, यानी वो किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। तो उसे ही, उस पैसे को हम काउंट नहीं करेंगे जो पैसा हमारे घर में रखा है, जो पैसा हमारे अकाउंटों में जमा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं हो रहा। दूसरा, इम्पोर्ट्स, हम बाहर से कोई भी सामान मंगाते हैं तो यह मान के चलते हैं हम अपनी कंट्री का, यानी अपने रुपीज़ हम बाहर दे रहे हैं, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, यानी फ़्लो आउटसाइड हो रही है, यानी हमारे पास इनफ्लो ना होकर आउटफ्लो हो रहा है मनी का, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास जो पैसा है वो बाहर की तरफ जा रहा है। दूसरा, टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस लगा देती है, यानी अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ज़्यादा वसूल करना शुरू करेगी, तो हमारे पास जो इनकम है, जो हमारी जो रियल इनकम है, जैसे कहते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम भी कह सकते हैं उसको, वो हमारे पास कम से कम आएगी। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ और उसमें से मैं गवर्नमेंट को 2,000 रुपये टैक्स दे रहा हूँ, किसी वजह से गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ा दिए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा दी, जिसकी वजह से मैं जो 2,000 रुपये टैक्स दे रहा था वो 2,300 बढ़ गया, यानी 300 रुपये मैं अब ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। तो जो मेरी असली इनकम है, रियल इनकम है, वो मेरे पास कम हो जाएगी, जिससे मैं मार्केट से गुड्स जो है परचेस कम करूँगा, जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर असर पड़ेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी, एक ये लाइन लिखी है मैंने, कॉन्ट्रैक्शन यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कम से कम होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वो मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम जब डिफ्लेशन कंडीशन होती है तो उस पैसे को हम अपने घर में संभाल के रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, इमरजेंसी यूज़, कि इस टाइम मार्केट के हालात ठीक नहीं है तो उस पैसे को मार्केट में लगाना भी ठीक नहीं है, तो जिस वजह से इकोनॉमी और कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास से पैसा और कम होता चला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जस्ट अपोजिट है लीकेज का। इंजेक्शन का मतलब है कोई किसी ने हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंट्रोड्यूस किया। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन किया, मनी का सर्कुलेट किया, मनी का इंट्रोडक्शन किया। अब मनी इसके अंदर क्या है, आ रहा है, लीकेज में हमारे पास से मनी जा रहा था। एक्सपेंशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। क्यों होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वो हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, चाहे वो LG का टीवी हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, कार हो, व्हाटएवर गुड्स, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो सेविंग अमाउंट था वो हम मार्केट में सर्कुलेट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो बढ़
जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए आपके पास एक पुरानी कार थी, आप सोचते हैं बहुत दिन तक चल रही है, इसे हमें बेचने की जरूरत क्या है और नई लेने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर हम नई नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कम होती चली जाएंगी और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, तो उनकी सैलरी, उनकी इनकम कैसे निकलेगी। जिस वजह से ये कहा जाता है कि हमें इकोनॉमी में हमें खर्च करते रहना चाहिए। अगर हम खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती जाएंगी और उसी वजह से हमारी इकोनॉमी और जीडीपी इंक्रीज भी होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर चाहिए इन्वेस्टमेंट हमें करते रहना चाहिए, किसी भी फॉर्म में करें हम, चाहे वो स्टॉक में करें, गोल्ड में करें, चाहे वो प्रोडक्ट में करें, चाहे आप किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं जो आपका मन हो, आप परचेज करना चाहिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज को, परचेज करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट अगर हमारा हो रहा है तो हमारे पास पैसा आएगा, यानी बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, तो इसके अंदर इनफ्लो हो रहा है, उसके अंदर आउटफ्लो हो रहा था। एक्सपेंडिचर में गुड्स एंड सर्विसेज पे हो गया, मोबाइल परचेज कर लिया हमने, या हमने जो है एक तरीके से टॉय परचेज कर लिए, कोई भी हम चीज़ परचेज, कपड़े क्लॉथ परचेज कर लिए, फर्नीचर परचेज कर लिया, किसी भी चीज़ पे हम अपने हाउस होल्ड के कंजम्पशन पे हम खर्च पैसा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैसा हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये दो कंसेप्ट थे, इंजेक्शन एंड लीकेज, जो कि टोटल डिपेंड करते थे हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर हम ज़्यादा सेविंग करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, यानी अगर हम ये बात मान के चलें कि हमारा जो है सेविंग इज़ ग्रेटर देन आई हो जाए, यानी सेविंग जो है हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गई, तो हमें हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से डिफ्लेशन की कंडीशन में चली जाएगी, कि हम ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। इसका अपोजिट करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और सेविंग कम होगी, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ होगी और कहीं ना कहीं हमारा उससे डायरेक्टली जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।